हेलो दोस्तों, मैं संजय विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कारपेंटर पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चलाने वाले हैं एप्को का स्लाइडिंग फिटिंग, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। हमने डोर लगा दिया है, उसको फिटिंग कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं एप्को का स्लाइडिंग लगाया है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है ये। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, ये है स्लाइडिंग चैनल, ये है ऊपर का फिटिंग, देखते हैं इसमें ये मोटा है और ये पतला वाला नीचे का फिटिंग है। ऊपर वाला मोटा वाला है और नीचे वाला पतला वाला, ये हमारा फ्रेम है जिस पे हम स्लाइडिंग लगाने वाले हैं। और ये हमारा है एप्को का फिटिंग यानी उसका व्हील। पूरे बॉक्स में आपको ये सामान मिल जाएगा, एप्को के व्हील रहेगा, एलंकी रहेगा, सब क्लोज रहेगा और ये सब रहेगा। ये स्टील जैसा जो दिख रहा है वो है नीचे वाला हिस्सा, ये हम डोर के नीचे वाले हिस्से में लगाएंगे। और ये अभी जो मैं ओपन कर रहा हूँ ये पैकेट, ये पीवीसी का दिख रहा है, ये ऊपर का हिस्सा है, इसमें जो क्लिप दिया हुआ है ऊपर का रहेगा। स्टील वाला हम नीचे फिटिंग करेंगे और ये पीवीसी वाला ऊपर। और ये दिया है एलंकी, उसके साथ में थोड़ा स्क्रू भी दिया है, हालांकि स्क्रू इतना अच्छा तो होता नहीं, तो हम अपना स्क्रू इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सॉफ्ट क्लोज को चैनल में फिटिंग कर लेते हैं। जैसे जैसे इसका स्क्रू थोड़ा बाहर है तो उसको हम लेवल कर लेंगे, तभी वो जाने वाला है, नहीं तो नहीं जाएगा। जो सिलेंडर दिया हुआ है उसमें सॉफ्ट क्लोज में, वो हम राइट साइड में रखेंगे यानी कि बाहर की तरफ रखेंगे। जैसे स्प्रिंग मैंने अंदर की तरफ डाला है और ये जो सिलेंडर दिया है उसमें वो मैंने बाहर की तरफ रखा है, सेम उधर भी ऐसे ही करना है। सिलेंडर को आपको बाहर रखना है और स्प्रिंग वाला हिस्सा अंदर रखना है। तो इधर भी हम सॉफ्ट क्लोज लगा लेंगे, पहले से लगाना पड़ता आपको, अब बाद में लगाने का चांस नहीं रहता क्योंकि उस साइड से लगाना रहता है। आप देख सकते हैं मैं दोनों साइड से मैंने सिलेंडर को बाहर किया हूँ और स्प्रिंग वाला हिस्सा अंदर किया हूँ। तो फिर हम चैनल को फिटिंग कर लेंगे फ्रेम में। तो हमने चैनल को फ्रेम में फिटिंग कर लिया है, अभी हम डोर का साइज निकालेंगे कि हमको डोर कितना रखना है। तो चैनल का जो राउंड वाला शेप दिया है नीचे, उसके ऊपर से टेप पकड़ेंगे और ऊपर का जो चैनल है उसके एज तक, उसके एज तक हम टेप लगाएंगे। तो हमारा साइज मिल रहा है हमको 75 इंची 2 सूत यानी 75 इंच 2 सूत। अंदर का साइज मिल रहा है 75 इंच 2 सूत, हम डोर रखेंगे हम 75 इंच, ज़्यादा नहीं रखना है नहीं तो डोर लूज हो सकता है। तो हम 75 इंच का डोर कटिंग कर लेते हैं। तो अभी हम व्हील को डोर में फिटिंग कर लेते हैं, उसके लिए हमको करना पड़ेगा खांचा। तो हमारा जो व्हील का थिकनेस अंदर का दिया है सेम उतना ही मशीन का गेज हमको रखना है और डोर के साइड से हमको लगभग 4.5 इंच रखना है, ऐसे हमें चारों साइड रखना है। अंदर तरफ रहेगा 1-2 सूत, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगभग 4.5 के ऊपर ही रहना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके हम चारों साइड खांचा कर लेते हैं, उसके बाद उसमें व्हील फिटिंग कर देंगे। तो अभी हम जो खांचा कर रहे हैं व्हील का, उसके जो अंदर का थिकनेस दिया है वो है 0.5 इंची लगभग, और ये जो उसकी लंबाई चौड़ाई है वो 2-2 इंच है, यानी चौड़ाई में भी 2 इंच करना है और लंबाई में भी 2 इंच कर लेना है। ऐसे ऐसे करके हमको चारों व्हील का खांचा कटिंग कर लेना है।
महंगे से ज़्यादा मत। तो हमारा खांचा कट के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं चारों साइड, और उसमें हमने व्हील फिटिंग कर लिया है। उसके बाद हमको डोर को फ्रेम पे चढ़ा देना है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। अगर ऐसी आपको नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।